एमपी के शिवपुरी में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्यवाही। थाना करेरा पुलिस द्वारा 13 पेटी बियर, 13 पेटी प्लेन शराब, 6 प्लास्टिक की केनों में 250 लीटर कच्ची शराब सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रघुवंश सिंह जी के द्वारा जिले में विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अवैध मादक पदार्थ, जुआ, सट्टा, अवैध हथियार, अवैध खनन, परिवहन, अवैध शराब की धरपकड़ अभियान के तहत जीरो टॉलरेंस अपनाने के निर्देश दिए गए। उक्त निर्देश के पालन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री संजीव मुले जी के निर्देशन एवं श्रीमान SDOP महोदय श्री शिव नारायण मुकाती के मार्गदर्शन में आज दिनांक 1/11/2023 को दोपहर में चौकी प्रभारी सुनारी उप निरीक्षक श्री हुकुम सिंह मीणा को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई। जो कार्रवाई की है उसके बारे में बताएं। आज दोपहर मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि मंदिस कंजर निवासी फतेहपुर का अपने घर पर भारी मात्रा में अवैध रूप से शराब रखे हुए हैं तथा लोगों को बिक्री कर रहा है। उक्त सूचना पर से उसके घर पर दबिश दी गई तो आरोपी के कब्जे से 18 पेटी देसी प्लेन शराब की, 13 पेटी बियर की तथा 250 लीटर कच्ची देसी आत्महत्या की शराब बरामद की गई है। आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) की कार्रवाई की गई है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि कहीं किसी राजनीतिक दल ने तो नहीं रखवाई या राजनीतिक दल बेचवा रहा है, इस संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। कीमत कितनी होगी सर? करीब 3 लाख की शराब बरामद की गई। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।